सब्सक्राइब कीजिए टेक माइंड वर्ल्ड चैनल को और सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उमेश सैनी और आप देख रहे हैं टेक माइंड वर्ल्ड चैनल। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप मोबाइल पर वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ एक बेल का आइकन शो होगा, यहाँ पर क्लिक करके आप हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप कंप्यूटर पर वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ वीडियो के नीचे इस रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ देखिए, मैंने अपने मोबाइल को अपने कंप्यूटर पर डिस्प्ले किया हुआ है। आप भी अपने मोबाइल को कंप्यूटर पर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको अबाउट फ़ोन में जाना है। अबाउट फ़ोन में जाने के बाद आपने बिल्ड नंबर पर जाना है और इस बिल्ड नंबर पर 4 से 6 बार आपको क्लिक करना है। तो यहाँ नीचे देखिए, नो नीड टू प्रोसीड दिस ऑपरेशन, यू आर ऑलरेडी डेवलपर। तो ये हमने बिल्ड नंबर पर इसलिए क्लिक किया है क्योंकि हमें डेवलपर ऑप्शन इनेबल करना होता है, वो शो नहीं होता है जब तक इस पर हम क्लिक नहीं करते। फर्स्ट टाइम आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा 4 से 6 बार। तो बिल्ड नंबर पर क्लिक करने के बाद आपका डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाता है। अब हमें डेवलपर ऑप्शन में जाना है। तो यहाँ से बैक चलते हैं। तो हर फ़ोन की जो सेटिंग होती है वो बिल्कुल अलग होती है। तो अभी मैं ओप्पो फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ तो इसकी सेटिंग थोड़ी अलग है। तो अगर आप सैमसंग का यूज़ करेंगे तो उसकी अलग होती है, सोनी का यूज़ करेंगे तो उसका अलग सेटिंग रहती है। जो मुझे जाना है डेवलपर ऑप्शन में, वो मेरा एडिशनल सेटिंग में, तो मैं यहाँ एडिशनल सेटिंग ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मुझे जाना है डेवलपर ऑप्शन। तो यहाँ देखिए डेवलपर ऑप्शन यहाँ से हो रहा है, तो इस पर क्लिक करके अंदर जाना है इस पर। तो यहाँ देखिए डेवलपर ऑप्शन, इसको इनेबल करना है। मैंने यहाँ पर पहले से ही इसको इनेबल किया हुआ है क्योंकि मैंने अभी अपना फ़ोन कंप्यूटर पर डिस्प्ले किया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर USB डीबगिंग भी आपको इनेबल करनी होगी, ये भी डिसेबल रहती है तो इसको भी इनेबल करना है। ये मोबाइल सेटिंग करने के बाद आपको प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पर सर्च करना है वाइजर। तो यहाँ देखिएगा सबसे ऊपर आ रहा है वाइजर एंड्रॉयड कंट्रोल और यहाँ इसका आइकन आप देख लीजिएगा, इस तरीके का आइकन है और इस पर क्लिक करके इसको इंस्टॉल करना है। तो ये मैंने पहले से ही अपने फ़ोन में इंस्टॉल किया हुआ है तो इसलिए मुझे अभी ये इंस्टॉल नहीं करना है। तो ये तो रहा मोबाइल में आप वाइजर कैसे इंस्टॉल करते हैं। अब आपको अपने कंप्यूटर पर ब्राउज़र ओपन करना है। अगर आपके कंप्यूटर पर गूगल क्रोम नहीं है तो आप उसको पहले डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है क्रोम वेब स्टोर और यहाँ देखिए क्रोम वेब स्टोर, इस पर जाना है। मैंने इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है तो आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और यहां पर सर्च करना है वाइज़र। तो यहां देखिएगा, यहां वाइज़र ये आ रहा है यहां पर। तो मैंने इसको पहले से इसको इंस्टॉल किया हुआ है तो इसलिए ये इस तरीके से दिखा रहा है आपके सामने। जो ओपन होगा ये इस तरीके से होगा, ऐड टू क्रोम, बाकी ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर ऐड टू क्रोम। तो इस तरीके से यहाँ पर आएगा आपके सामने ऐड टू क्रोम, तो आप ऐड टू क्रोम पर क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं वाइज़र से मोबाइल को कैसे कनेक्ट करते हैं। स्टार्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर सर्च कर लीजिए, ये देखिए वाइज़र आ रहा है। हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और सेंड टू डेस्कटॉप। तो ये देखिए यहाँ वाइज़र का आइकन आ गया है। अब चलिए इसको मोबाइल से कनेक्ट कैसे करते हैं वो करते हैं। अभी मैंने वाइज़र से ही अपने मोबाइल को कनेक्ट किया हुआ है। अब मैं अपने कंप्यूटर से USB को डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। तो ये मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया है अपने फ़ोन को कंप्यूटर से। अब आपको करना क्या है, आपको अपने मोबाइल को USB से कनेक्ट करना है और अपनी USB कंप्यूटर पर लगा देनी है। तो इस तरीके से आपका फ़ोन कंप्यूटर पर डिस्प्ले हो जाएगा। अब आप इसको रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा सेटिंग है, तो यहाँ से आप इसकी सेटिंग वगैरह देख सकते हैं किस तरीके से। यहाँ से रेजोल्यूशन इसका घटा बढ़ा सकते हैं, तो मुझे नहीं घटा बढ़ाना है। यहाँ देखिएगा इसकी डिस्प्ले सेटिंग है, तो अभी डिफ़ॉल्ट है। यहाँ से इसकी डिस्प्ले सेटिंग को आप सेट कर सकते हैं, तो अभी मुझे कुछ नहीं करना है, इसको बंद कर देते हैं। आप यहाँ से मोबाइल स्क्रीन को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। और यहाँ देखिए कैमरा, यहाँ से आप इसकी स्क्रीन को, मोबाइल की स्क्रीन का स्क्रीनशॉट भी यहाँ से ले सकते हैं। वॉल्यूम डाउन कर सकते हैं यहाँ से, यहाँ से आप कर सकते हैं। और ये रोटेट है, यहाँ से आप मोबाइल की स्क्रीन को रोटेट कर सकते हैं। और ये पावर ऑफ, यहाँ से इसकी पावर ऑफ भी कर सकते हैं।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।